गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं थर्ड लेसन स्टार्ट कर रहे हैं यूटिलिटी एनालिसिस और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी मींस सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए गुड। किसी भी चीज की, किसी भी सर्विस की वो पावर जो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकती है, हमारी जरूरतों को पूरा कर सकती है, उसे हम यूटिलिटी कहते हैं। तो हर एक गुड और सर्विस में यूटिलिटी पाई जाती है। यूटिलिटी सब्जेक्टिव होती है, मींस पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। एक पर्सन के लिए किसी एक चीज की यूटिलिटी ज्यादा हो सकती है तो दूसरे के लिए कम भी हो सकती है और ना भी हो सकती है। सेकंड इज यूटिलिटी इज रिलेटिव। टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग यूटिलिटी चेंज होती है। जैसे कि गर्मियों में पंखे की, एसी की यूटिलिटी होती है, तो सर्दियों में गीजर, जैकेट्स, स्वेटर्स की यूटिलिटी होती है। यूटिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोरलिटी। यूटिलिटी का मोरल वैल्यूज के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। कुछ गुड्स जो मोरल वैल्यूज के हिसाब से हमें यूज नहीं करने चाहिए, बट दे गिव यूटिलिटी टू देयर कंज्यूमर्स। यूटिलिटी नीड नॉट बी यूजफुल। यूटिलिटी और यूजफुलनेस का भी रिलेशन नहीं होता। जैसे कि अब आपको मालूम है कि जो जितनी भी नशीली चीजें हैं वो हार्मफुल होती हैं। लिक्वर शराब है, एक शराबी शराब पीता है, दैट इज हार्मफुल फॉर हिज बॉडी, लेकिन उसको यूज करके उसकी वांट सेटिस्फाई होती हैं, उसको यूटिलिटी उससे मिलती है। देन यूटिलिटी हैज नो रिलेशन विद टेस्ट। टेस्ट के साथ भी यूटिलिटी का कोई रिलेशन नहीं है। जैसे कि मेडिसिन, मेडिसिन खाने से हमारी बीमारी प्रॉब्लम दूर होती है, लेकिन मेडिसिन टेस्टी नहीं लगती। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। नाउ कंसेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी। सबसे पहले इनिशियल यूटिलिटी। ये तो सिंपल कंसेप्ट है कि किसी भी चीज की पहली यूनिट को यूज करने से जो भी हमें यूटिलिटी मिलती है उसको हम कहते हैं इनिशियल यूटिलिटी। यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट यूनिट ऑफ ए गुड इज नोन एज इनिशियल यूटिलिटी। मेन कंसेप्ट्स आर टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी, सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम डिफरेंट यूनिट्स ऑफ ए गुड इज नोन एज टोटल यूटिलिटी। हम किसी भी चीज की अलग अलग यूनिट्स को लगातार यूज करते जाते हैं तो हर एक यूनिट से हमें यूटिलिटी मिलती है। इन सारी यूटिलिटीज का सम टोटल क्या होता है? टोटल यूटिलिटी। सो टी यू इज इक्वल टू एम यू वन प्लस एम यू टू प्लस एम यू थ्री, यानी कि अलग अलग यूनिट से मिलने वाली एम यू, तो ये क्या हो जाती है? टोटल यूटिलिटी। और वी कैन से टी यू इज इक्वल टू समेशन एम यू। सेकेंड कंसेप्ट इज मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी इज द चेंज इन टोटल यूटिलिटी By using an additional unit of a good, किसी भी चीज की एक additional unit को, extra unit को use करने से total utility में जो changes आते हैं वो है marginal utility. So marginal utility is equal to TUN minus TUN minus 1, or we can say mu is equal to delta TU upon delta Q. Now the question is relationship between total utility and marginal utility. तो इसके लिए सबसे पहले हमें लिखना है व्हाट इज टोटल यूटिलिटी, व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी। आफ्टर दैट वी हैव टू मेक डायग्राम, टेबल एंड डायग्राम। तो हम यहाँ पर टेबल ले रहे हैं यूनिट्स ऑफ गुड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। टोटल यूटिलिटी फ्रॉम फर्स्ट यूनिट इज 10 यूटिल्स, फ्रॉम सेकेंड यूनिट ये बन जाती है 18 यूटिल्स, वेन वी आर यूजिंग थर्ड यूनिट इट बिकम्स 24, फ्रॉम फोर्थ इट टोटल यूटिलिटी इज 28, फ्रॉम फिफ्थ इट इज 30, दैट इज मैक्सिमम। फ्रॉम सिक्स यूनिट टोटल यूटिलिटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ये चेंज नहीं होती, और सेवन्थ यूनिट से ये डिक्रीजिंग होनी शुरू हो जाती है। नाउ एम यू, एम यू मीन्स टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन। फ्रॉम फर्स्ट यूनिट टी यू इज 10, सो एम यू इज ऑल्सो 10। फ्रॉम सेकेंड यूनिट एम यू इज 18 माइनस 10, 8। From third unit 24 minus 18 it is 6. From fourth unit 28 minus 24 it is 4. From fifth unit it is 30 minus 28 is 2. Then 30 minus 30 is 0 and 28 minus 30 is minus 2.
So mu can be positive, 0 and negative. Now the relationship is, up to 5th unit, total utility is increasing, marginal utility is decreasing but positive. When we are using 6th unit, total utility becomes maximum and constant. Here marginal utility is 0. And by using 7th unit, when total utility is decreasing, marginal utility is negative. These are the relationships between TU and MU. And और हम ये रिलेशनशिप डायग्राम की हेल्प से भी शो कर सकते हैं. आप देख रहे हैं दो डायग्राम हमने लिए हैं, अपर एंड लोअर डायग्राम. इन अपर डायग्राम वी आर टेकिंग टोटल यूटिलिटी एंड लोअर डायग्राम वी आर टेकिंग मार्जिनल यूटिलिटी. फिगर्स आर द सेम एज मेंशनड इन टेबल. तो टोटल यूटिलिटी के लिए हम 5 से 30 तक डिवाइड करते हैं एंड यूनिट्स ऑफ गुड दैट आर ऑल्सो डिवाइडेड. आपने ये जो डिस्ट्रीब्यूशन करना है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है एंड द सेम डिस्ट्रीब्यूशन इज इन लोअर डायग्राम. 1, 2, 3 इसको आपने इक्वल लेके चलना है एंड बाय यूजिंग दीज वैल्यूज फ्रॉम फर्स्ट यूनिट टोटल यूटिलिटी इज 10, फ्रॉम सेकेंड इट इज 18, फ्रॉम थर्ड 24, from 4th it is 28, from 5th it is 30, from 6th it is 30 and again from 7th it is 28. By joining all these points we get a curve known as total utility curve. And in the lower diagram aap dekh rahe hain from first unit MU is 10, from second unit it is 8, then 6, 4, 2 and from 6th unit it is 0. एंड फ्रॉम 7th यूनिट इट इज -2. तो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये बन जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी कर्व. और अब हमें 6th यूनिट पर ज्वाइन करना है. आप देख रहे हैं 6th यूनिट से पहले अप टू 5th यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव बिकॉज TU इज इंक्रीजिंग. ऑन 6th यूनिट MU इज 0 बिकॉज TU इज maximum and constant. And on 7th unit MU is negative because TU is decreasing. So MU kya ho gaya? Negative ho gaya hai.